टू माय यूट्यूब फैमिली। आप और आपके बर्ड्स खैर ऑफिस से होंगे। मेरा नाम रेहान है और आप देख रहे हैं अपना चैनल खान एग्री। अब जो ये सीरीज चल रही है, ये जावा से रिलेटेड ये सीरीज है, इसमें जो मेन प्रॉब्लम जावा को लोग फेस कर रहे हैं। आज भी मुझे एक व्हाट्सएप पे कॉल आई थी, मोशन लग गए हैं। तो एकदम मौसम को चेंज होना, एकदम डाइट को चेंज होना, जावा को मोशन लगा सकते हैं। तो आपने किस तरह इससे बचना है? क्या आपने उसको फूड में देते रहना जो आपका बर्ड सेव रहेगा और मोशन नहीं लगेंगे? तो आज की जो वीडियो है वो फिर उसकी हेल्थ से रिलेटेड होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई से नई वीडियो सबसे पहले मिले। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर, ये आपने हफ्ते में एक दफा अपने जावा स्पैरो को मस्त देना। इसके अंदर विटामिन्स भी हैं, इसके अंदर गुड बैक्टीरिया भी है, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। और एक और बात मैंने कही थी कि बहुत से जो सिरकेज होते हैं एप्पल साइडर विनेगर, जो सेब का सिरका होता है, वो 300-350 रुपए के आते हैं। वो प्रिजर्व है, उनको कोई फायदा नहीं है। आपने विद मदर जब आपने एप्पल साइडर विनेगर बाय करना है, मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, विद मदर वाला लेना है। ये ही आपके बर्ड के लिए बहुत जरूरी है। अब इसके फायदे क्या है? एक तो कैल्शियम जो हम देते हैं उसको अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स, अब आपका बर्ड पता नहीं क्या कुछ खा रहा है, आप क्या कुछ दे रहे हैं, टॉक्सिन उसकी बॉडी में जमा हो रहे हैं, तो डिटॉक्स करने के लिए भी एप्पल साइडर विनेगर बहुत यूज होता है। उसके इम्यून को बेहतर करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर यूज होता है। उसको बीमारियों से फाइट करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर यूज होता है। और ये बहुत ही हजार साल पहले भी एप्पल साइडर विनेगर का यूज होता था हम इंसानों पे, तो बर्ड्स पे भी रिसर्च करके बाद इसको यूज किया गया। और मैं भी इसको यूज कर रहा हूँ। मैं हफ्ते में एक दफा एप्पल साइडर विनेगर लाजमी यूज करता हूँ और बहुत पॉजिटिव मुझे बेनिफिट्स मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बर्ड को मोशन का इशू नहीं आता। जरा सा मौसम चेंज होगा, डाइट चेंज होगी और चिक्स निकले होते हैं, तो वही चीज़ यही है कि अगर ज़रा सा भी कोई मसला आ गया तो जावा को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, आप एप्पल साइडर विनेगर देते रहेंगे, क्यूप्लेक्स जी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, हफ्ते में दो दफ़ा आप यूज़ करवाएंगे, आपके जावा को मोशन का कोई इशू नहीं आएगा। अब कितना देना है? 1 लीटर में आपने 2 cc से ज़्यादा नहीं देना और आपने अच्छी तरह उसको हिला के मिक्स करना है। ये नहीं करना कि आपने 1 लीटर पानी लिया और 2 cc डाल के फौरन पानी को डाल दिया। उसको अच्छी तरह हिलाना है क्योंकि ये एसिडिक है, ठीक है? तो जब ये सही तरह डिसॉल्व हो जाएगा तभी आपने अपने बर्ड्स को देना है। साइड इफेक्ट कोई नहीं है इसका, लेकिन आपने डायरेक्ट उसके मुंह में नहीं डाल देना, एसिडिक है। आपने पानी में डाल के हिलाए बगैर नहीं देना, उसको अच्छी तरह हिला के फिर अपने बर्ड्स को दें, इंशाल्लाह फायदा भी होगा। इससे बर्ड के फेदर्स में शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें जो गुड बैक्टीरिया है उसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला जब आप ये यूज़ करेंगे तो आप खुद करेंगे देखेंगे कि बर्ड की हेल्थ अच्छी हो रही है। आपको बर्ड खुश शो करवाएगा कि मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है। वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई से नई वीडियो सबसे पहले मिले। हाँ, लास्टली मुझे दिमाग में एक और बात याद आई है। कल मैं एक भाई की शर्ट पे गया हुआ था, वो भाई शर्ट पे बैठ के सिगरेट पी रहे थे। अब जो सिगरेट है ये टॉक्सिन, जो टोबैको है, आप सर्च भी कर लीजिएगा, ये आपके बर्ड्स के लिए, मैं जावा नहीं कह रहा, ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत टॉक्सिन है। जब आप सिगरेट पीते हैं धुआं पूरे कमरे में, पूरे शेड में फैल जाएगा, जब वो सांस लेंगे तो वो उनकी जाएगा, इम्यूनिटी वीक होगी और टॉक्सिन्स होंगे, ठीक है? एप्पल साइडर विनेगर टॉक्सिन तो काम तो कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठ के वहाँ पे सिगरेट पिए। आपने सिगरेट पीना है, बाहर जाके सिगरेट पिए, शेड के अंदर अगर कोई दोस्त भी आता है तो वहाँ पे आप सिगरेट ना पिए। होपफुली वीडियो अच्छी लगी हो और आपको जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। थैंक यू सो मच।